Tremendo.com. So guys, this is the view from our houseboat. Hello. Oh, let's see today. देख ले आसू. कौन तो नाटक है भाई मेरे घर के तो. क्या है? बड़े इंपार्ट में. अरे ना भाई. उठा ले बताओ कौन सा चीज़ है. कुछ भी नहीं. ठीक है सर. पैर ले कोई सा. तू एक बार भाई. हैं? तू एक बार. पैर घर बन जा कश्मीरी. Hi guys, तो आज है हमारा दूसरा दिन और टाइम हो रहा है अभी 2:35 और ये हमारे भाई साहब विनीत 10:35 और ये हमारे भाई साहब विनीत और ये बैठे आपके होस्ट रचित और रचित के साथ है यहाँ के मशहूर गाइस दिस इज कमल मान एंड वी आर नाउ इन डल लेक सो टाइम नाउ इज 9:35 एंड हियर इज योर परमानेंट होस्ट मिस्टर रचित आसुराठी से हाय टू योर फैमिली ले मैं एक चीज बोल लूं भाई हम सब की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉलो कर लेना एक कमल मान इसने मेंशन कर दिया था ये विनीत बिटान और ये अपना आसुराठी ले लद्दाख का सीरीज है हमारी ये और आज हम कहाँ है डल लेक में भाई डल लेक में कल वाला व्लॉग अगर आपने देखा नहीं से पीछे वाला एपिसोड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या आई बटन में होगा उसमें हम ऐसे ही बोट हाउस में रुके थे जैसे ये कितने सुंदर सुंदर हाउस है भाई ये देखो अरे ऐसे इस तो बड़ा था ना अपना बढ़िया था चलो हाय गाइस दिस इज कमल मान एंड दिस इज माय फ्रेंड विनीत मिटान एंड द सुल्तान मिर्ज़ा ऑफ कश्मीर या गोल्डन लेक है भाई ये देख चिड़िया देख इसके ऊपर पत्ते पे खड़ी चिड़िया में कितना वेट है ना गणवा हाथी खड़े हैं नहीं भैया नहीं नो नो आई एम सॉरी नहीं भैया नहीं और करोड़ में भी है टोपी सॉरी क्या ये टोपी इसमें कितना होगा टोकरी हां लेना ना को लेना नहीं सस्ता है बात पैसे की है नहीं ये क्या चीज है दोस्त फोटो शूट कर रहे हैं आपके होस्ट हमारी रीस करके भी है वहाँ चले गए हम भाई हमारी नकल मार गए हम यहाँ लेट गए बढ़िया ओन है ये भाई हमारे भैया है हेलो करो हेलो तो गाइस ये है कश्मीरी केसर चूचू कहाँ से मिलता है इसकी वहाँ पौधा है ना लोकल नाम क्या इसका लोकल नाम क्या इसका कश्मीर में क्या बोलते हैं सैफरन 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 में पौधा सैफरन हिंदी में पौधा केसर ये सब वीडियो उठाते ना वीडियो बाद में सुनते तो एक वो भी तो यहाँ पे कश्मीर में पेम्पू पेम्पू है ना पेम्पू सब तो महंगी एग्रीकल्चर की लैंड है पेम्पू हाँ पूरी दुनिया में सब तो महंगी एग्रीकल्चर की लैंड पेम्पू सांप वगैरह भी होंगे फूल दिखा दे कुछ फूल देख सिर्फ मछली पीछे देख ना नर्सरी ओए ये देख कमल का फूल देख कमल तेरा फूल वो कमल का फूल है क्या वो कमल का फूल है पहले नंबर वाला हाँ सबसे पहले वाला जब जिसकी पिंक पत्ती से है बढ़िया सुंदर नहीं था अच्छा ये मेन डल लेक किस किस की शूटिंग हुई यहाँ पे जब तक है जान कश्मीर की पहली आरज़ू कश्मीर की पहली यहाँ पे शूटिंग हुई ये मेन डल लेक है भाई भाई फिशिंग प्रोहिबिटेड एरिया है भैया कहीं यहाँ पे गए के हथियार लिया अपने क्या करते भाई साहब फिशिंग रोड है फिशिंग रोड या ब्रो फिशिंग रोड केचुए से केचुआ के लिए सारे जाओ तो भाई ध्यान रखियो पहले बोर्ड वोर्ड पर लग रहे हो और नेचर को सेव करो हाँ नेचर सेव करो बहुत सुंदर है नेचर जब भी हम यहाँ आ रहे हैं देखिए रे कमल के फूल छोटे कमल के फूल है वाटर लिली है भाई ये वाटर लिली है अब ये भाई फ्लोटिंग मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं हम बढ़िया सीन है यार ये तो सारा हमने सोचा था यूं ही बोट्स में ही देंगे अरे तो प्रॉपर मार्केट बिल्ड भाई हम आपको दिखा देते हैं जिसको लेना ले लेना गवर्नमेंट का है सब अच्छा अच्छा मार देखो भाई बारिश के अंदर बढ़िया व्यू आ रहा
बढ़िया मौसम हो रहा है, नहीं ठंडा मौसम हो रहा है, यू भी नहीं ज्यादा ठंडा है, टी शर्ट और शर्ट में है कितनी बढ़िया भाई है फ्लोटिंग मार्केट, बस यही तो नहीं है क्या ऐसे? अच्छा भाई बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया भाई, मजा, एक नंबर का। सबसे बेस्ट क्या चीज लगी? पूछिए कमल है, यहाँ रुके हैं, एक बीच में कैंटीन सी है, यहाँ से यहाँ का फेमस कश्मीरी कावा मंगाया है, कावा तो देखते हैं, ऑर्डर करें, चारों ने यही पियेंगे, देखते हैं कैसा है, अच्छा लगा आपको, फीडबैक देते हैं। बड़ी ले भाई, कावा आ गया है नेस्कैफे वाले में, दिखा रहे आगे ले, भैया क्या क्या डलता है इसके अंदर? अच्छा, दूध कौन डलता है? कैसे लगे रहे आंसू भाई? बस मेरा इनकम का स्वाद है, नॉर्मल है, स्ट्रांग है भाई, स्ट्रांग है। एक चीज बढ़िया, बस बादाम है, हां ओरा का मेरा ठीक है। विनीत तन लाइक सही बताऊं, दूध का दूध में पड़ा, हां हमने नहीं लिया दूध में, उसने घड़ी चीज ड्राई फ्रूट्स गिनवा दिए थे, वाला दूध में पड़ दे होंगे, ज्यादा बनवा लिया नहीं, हम चाय पीने वाले आते हैं, धीरे दूध में लेगा, दूध पीला हो जाएगा, कति पीली कटोरी होगी भाई, दौड़ी तो दिखे नहीं रही घड़ी, इससे पता चलता है इसलिए। चलो भाई ये बोट राइड तो होगी पूरी, अब इससे नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अपनी सोनमार्ग, सोनमार्ग, अब सोनमार्ग चलेंगे, तो सारे तैयार हो लिए हैं, आगे पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी थी तो वहाँ चलते, और चलो आपको आगे कार में ही मिलते हैं।